हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आइए हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी में पूछा जाता है। तो हम आईसीटी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कई बार आपसे पूछा गया है। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और हम पहला ही प्रश्न देखेंगे कि आईसीटी से हम क्या समझते हैं या आप आईसीटी से क्या समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, आईसीटी का पूरा नाम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आई से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षिप्त में आईसीटी कहा जाता है। सूचना व संचार प्रौद्योगिकी उन कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना के, यहाँ से याद रखिए, सूचना के पारेषण, संग्रहण, निर्माण, प्रदर्शन या आदान प्रदान करने के काम आते हैं। मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन्स को, सूचनाओं का निर्माण करते हैं, उसे कहीं ट्रांसफ़र करते हैं, उसे कहीं स्टोर करते हैं, संग्रहण करते हैं या उसे कहीं प्रदर्शन करते हैं, डिस्प्ले करते हैं या एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो आईसीटी का क्या हो गया दोस्तों, यही इसके उपयोग हो गए। ठीक है, चलिए सूचना व संचार प्रौद्योगिकी की इस व्यापक परिभाषित के लिए के तहत कौन कौन से डिवाइस आते हैं दोस्तों, रेडियो, टीवी, वीडियो, डीवीडी, टेलीफोन, लैंडलाइन और मोबाइल फ़ोन दोनों ही, सैटेलाइट प्रणाली, कंप्यूटर और नेटवर्क, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आदि सभी आते हैं। ये सभी क्या हैं दोस्तों, आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए बहुत सही, अगला देखते हैं। इसके अलावा इन प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई सेवाएं, उपकरण जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉल, ईमेल, ब्लॉग्स आदि भी आईसीटी के दायरे में आते हैं। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आईसीटी के बारे में समझ। अब आईसीटी की आवश्यकता की बात कर लें या फिर आईसीटी के महत्व की बात करें, तो क्या आज के ज़माने में कोई आईसीटी के आवश्यकता और उपयोग से कोई बचा हुआ है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सूचना संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता और महत्व है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी मानव जीवन की आवश्यकता ही नहीं बल्कि यह मनुष्य के जीवन का एक विशेष अंग बन गया है। अब आप मोबाइल को ही देख लीजिए, ये भी तो आईसीटी का पार्ट है ये, लेकिन हम इससे दूर रहना कितना मुश्किल हो गया। तो कोई भी क्षेत्र सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से अछूता नहीं है। कोई भी क्षेत्र, मतलब चाहे वो धर्म हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो मीडिया हो, मीडिया तो और आगे जा चुका है, कोई भी क्षेत्र, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, तो कोई भी क्षेत्र दोस्तों यहाँ से आईसीटी से बचा हुआ नहीं है। और शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी ने अहम भूमिका निभाई है। क्या भूमिका निभाई है, आइए देखते हैं। देखिए, शिक्षा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तथा छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी अधिक महत्व है। तो चूँकि बड़े डिमांड में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो एक क्लासरूम में पढ़ाना मुश्किल है। अभी आप मुश्किल से जो कोचिंग सेंटर देख रहे हैं, जो ऑनलाइन, आप भी ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, तो क्या हुआ, अब सबको इकट्ठा करके पढ़ाना मुश्किल है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको शिक्षा की बढ़ती मांगों को पूरा कर सकते हैं आईसीटी के माध्यम से। चलिए बहुत सही, इसी बिंदुओं को आप अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छे तरीके से अपने शब्दों में लिखिएगा। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, देखिए कितना आसान बन जाता है ना, घर पे बैठ के पढ़ते, सुबोध व सुगम, जो समझने में आसान हो और सरल हो, सूचना और अप्रेजर तकनीकी के माध्यम से ये बन जाता है। विद्यार्थियों की योग्यता अनुसार पाठ्य सामग्री की बोधागम बनाने के लिए आईसीटी एक महत्वपूर्ण उपयोगीकरण है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से दूरस्थ शिक्षा, मैंने डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है, को सशक्त किया गया। इस शिक्षण प्रक्रिया से शिक्षण क्या होती है, रोचक बनती है तथा विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन उत्पन्न होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। सभी प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण में एक लोकप्रिय साधन है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आईसीटी। इसके द्वारा छात्रों में अधिगम को अस्थायी बनाया जा सकता है और आईसीटी छात्रों के ध्यान केंद्रित करने का उत्तम साधन है। चलिए दोस्तों बहुत से, अब आइए हमने देखा आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों एक प्रश्न आपसे अक्सर केवल कम्युनिकेशन के बारे में पूछता है। ठीक है, कम्युनिकेशन को हिंदी में कहते हैं हम संप्रेषण, संप्रेषण के बारे में पूछता है, तो क्या पूछता है और कैसे लिखना है, आइए हम उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कम्युनिकेशन, संप्रेषण का अर्थ क्या होता है। आपको अक्सर पता है कम्युनिकेशन स्किल को हम कहते हैं बात करने की स्किल्स, यानी कि बोलचाल की, आदान प्रदान करने की। तो इसी को कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण की जब हम बात करें, तो संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान, हाव भाव, मुख मुद्रा तथा विचारों आदि का परस्पर आदान प्रदान करते हैं। ठीक है,
तथा इस प्रकार से प्राप्त विचारों अथवा संदेशों को समान तथा सही अर्थों में समझने और प्रेषण करने में उपयोग करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। चलिए बहुत से, अब यहाँ पे आपको लिखा होगा कि समान तथा सही अर्थों में जिस प्रकार सही सही बताना चाहिए और उसी प्रकार समझने, मतलब ऐसा कम्युनिकेशन नहीं करें कि कोई समझे ही ना। अब कुछ लोग बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं लेकिन क्या मतलब वो समझ में नहीं आ रहा, तो सरल मतलब इजी लैंग्वेज यूज़ करिए, इजी वर्ड यूज़ करिए, मतलब समझना भी ज़रूरी है। तो जब तक समझ नहीं आता कम्युनिकेशन नहीं होता, ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्या है दोस्तों? आदान प्रदान है, अपने ज्ञान भाव भाव मुख मुद्रा विचारों का आदान प्रदान है, ठीक है। तो यह वही कम्युनिकेशन। अब आइए कम्युनिकेशन की शाब्दिक अर्थ की बात करें तो संप्रेषण को अंग्रेजी में कहते हैं कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन लैटिन शब्द के कम्युनिको से बना है जिसका अर्थ होता है आपस में बांटना या किसी वस्तु से साझा करना या हिस्सा बांटना। तो आपस में बांटना मतलब अपने ज्ञान विचारों का आदान प्रदान करना, ठीक है। चलिए अब इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। तो न्यूमार एवं समर ने कहा था कि संप्रेषण संप्रेषण में एक या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों विचारों स्वभाव अथवा भावनाओं का आदान प्रदान होता है। ये किसने कहा था? नुमार एवं समर ने। सीओ हैमन ने कहा था कि संप्रेषण एक दूसरे के मध्य सूचना एवं समझदारी बनाए रखने की प्रक्रिया है, और किथ डेविस ने कहा था कि संप्रेषण एक दूसरे के मध्य सूचना के आदान प्रदान करने एवं समझने की प्रक्रिया है। तो ये हो गया तीन बेहतरीन आपकी परिभाषा। अब आइए मुख्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों कि संप्रेषण के घटक कौन कौन से होते हैं। जब हम मान लीजिए दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक मान लीजिए ये कम्युनिकेट कर रहे हैं और दूसरा ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इनके घटक, इनके बीच होने वाली चीज़ें घटक क्या होंगे, इनके कॉम्पोनेंट्स क्या होंगे? तो सबसे पहली बात कि मैसेज, जो मैसेज ये व्यक्ति इनको देना चाहते हैं वो मैसेज होगा। दूसरा एक प्रेषक, ये जो सज्जन यहाँ पे दे रहे हैं तो ये होंगे, ये जरूरी तत्व हैं, ये होंगे तभी कम्युनिकेशन होगा। दूसरा माध्यम, ये किस माध्यम में कम्युनिकेशन, बोल के, लिख के या फिर इशारों से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। और चौथा दोस्तों प्राप्तकर्ता, रिसीवर होगा। और पांचवा एक प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल अर्थात यहाँ ध्यान से देखिएगा, प्रोटोकॉल नियमों का एक समूह होता है जो डेटा कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। आप जो भी उसको कंट्रोल करेगा, मतलब एक आपके बोलचाल का व्यवहार या भाषा कह लीजिए या फिर आपका व्याकरण कह लीजिए। तो कम्युनिकेशन केवल इंसान बोल के नहीं करता, कंप्यूटर से भी करता है, तो कम्युनिकेशन कंप्यूटर का भी होता है, तो वहाँ पे एक प्रोटोकॉल रहता है। तो ये हो गया दोस्तों हमारे संचार के घटक, कम्युनिकेशन के कॉम्पोनेंट, ठीक है। अब कम्युनिकेशन आप करते हैं, क्यों करते हैं, उसका उद्देश्य बताइए। फिर से वही बात होगी, संप्रेषण संचार के उद्देश्य क्या है दोस्तों? क्रियाओं का समन्वय, सॉरी यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान, मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगला है दोस्तों कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शन, क्रियाओं में समन्वय, ठीक है। कार्यवाही, एग्जीक्यूशंस, भ्रमों को हटाना, रिमूव इल्यूजन्स, नीतियों को लागू करना, इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज, और अभिप्रेरणा, मोटिवेशंस। आप कम्युनिकेट करके ही किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हो गया कम्युनिकेशंस के उद्देश्य। इनकी विशेषता भी होती है कि संप्रेषण दोहरी क्रिया है, ठीक है, या सतत, संप्रेषक सतत मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा का आधार है, कम्युनिकेट करके ही आप किसी को मोटिवेट कर पाएंगे। संप्रेषण प्रवाह है, चलने वाली फ्लो वाली चीज़, ट्रांसमिशन फ्लो चीज़ें। सार्वभौमिक प्रक्रिया है, विज्ञान और कला दोनों है, संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो ये हो गई इसकी विशेषताएं, लिख लेंगे दोस्तों। चलिए बहुत से, अगर परीक्षा में केवल विशेषताएं पूछे तो इसे हेडिंग बना के लिख के और इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर दीजिएगा। चलिए बहुत से, अब आइए संप्रेषण और संचार के महत्व के बारे में बात कर लेते हैं, इनकी आवश्यकता और उपयोग। तो ये हमने देखा है, इसके उद्देश्य देखें उसी से रिलेटेड है। अब व्यवसाय को सुचारू एवं कुशल रूप से चलाने के लिए, भावपूर्ण नेतृत्व, लीडरशिप के लिए, जो जितना अच्छा कम्युनिकेट कर पाएगा उतना ही अच्छा लीडर बन पाएगा। प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि, योजना में सहायक, जनसंपर्क में सहायक, जो जितना अच्छा कम्युनिकेट कर पाएगा लोगों से उतना ही जुड़ पाएगा, और शीघ्र निर्णय एवं क्रियान्वयन करने में सहायक होता है कम्युनिकेशन। चलिए दोस्तों, तो ये हो गया अभी तक कम्युनिकेशंस के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन दो को समझ आ गया होगा। एक छोटे से और कुछ पॉइंट देख के इस वीडियो को ख़त्म करेंगे।
आपको समझ में आ रही है ना, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी, ऐसी बात नहीं कही तो मैं दूसरे वीडियो में बनाऊँ। लेकिन चलिए थोड़े से और पॉइंट, थोड़ा सा और हमें समय दे दीजिए, आपके एग्जाम में बहुत फ़ायदा हो जाएगा। एक प्रश्न पूछता है कि शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का महत्व, या फिर इसके अलावा पूछता है कि कंप्यूटर को परिभाषित करिए। तो क्या कंप्यूटर का, द कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच वी यूज टू कैलकुलेट, और ये सारी चीज़ें हैं। कंप्यूटर क्या है भैया? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक मशीन है जो गणना के लिए इस्तेमाल किया था। तो परिभाषा आप स्वयं लिखिए। हम यहाँ पे थोड़े से कुछ शब्द देख लेते हैं कि अगर आपसे ये पूछता है कि शिक्षा में कंप्यूटर का महत्व, या फिर कंप्यूटर की उपयोगिता, या फिर आपसे ये पूछ लेता है कि भारतीय शिक्षा में कंप्यूटर का योगदान क्या है, तो आप किन शब्दों के इस्तेमाल से आप अपने शब्दों में लिखेंगे? तो देखिए, प्रयोगशाला एवं दूसरे क्रियात्मक, ये तो हमने यहाँ से शुरू कर दिया। चलिए ये पहले ये देख लीजिए, कंप्यूटर का हमने यहाँ से हमें शुरू करना था कि शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर एक महासंगणक, मतलब कैलकुलेशन के रूप में कार्य करता है, क्योंकि बड़ी गणनाओं को कुछ ही सेकंड में हल कर देता है। तो ये कंप्यूटर का महत्व हो गया भैया। यह सूचनाओं का संग्रहण बड़ी मात्रा में, स्टोरेज बड़ी मात्रा में करता है, जिससे बड़ी मात्रा में शैक्षिक सूचनाओं का संग्रह आसानी से किया जा सकता है। इसका प्रयोग शिक्षण एवं अनुदेशन में किया जाता है, पढ़ाने में और इंस्ट्रक्शन देने में। शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश परीक्षा, यहाँ देखिएगा, प्रवेश परीक्षा, मूल्यांकन, परीक्षाफल आदि से संबंधित विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करने तथा निष्कर्ष तक पहुँचने में इसका प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, कौशल, स्किल के विकास एवं अभ्यास, प्रैक्टिस के लिए क्या है, महत्वपूर्ण निभाता है। कौन सा? कंप्यूटर। कंप्यूटर की सहायता से शैक्षिक अनुसंधानों के आंकड़े, एजुकेशनल जो रिसर्च होते हैं, आप उसको बचा के रख सकते हैं, उसे सेव करके रख सकते हैं। आज से 50 साल पहले एजुकेशन में कौन सा रिसर्च हुआ, आप उसको कंप्यूटर के माध्यम से बचा के रख सकते हैं। प्रयोगशाला में, लैब में इसका यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। विभिन्न प्रकार के विचारों, सूचनाओं की प्रवृत्ति, मतलब उसको दोबारा देखने में, दोबारा याद करने में, दोबारा समझने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, शिक्षकों की उपस्थिति, टीचर का या फिर विद्यार्थी की उपस्थिति को पूरा करना, समय सारणी के निर्माण करना, वेतन आदि का लेखा जोखा, इन सब को हम कंप्यूटर में कर सकते हैं। और कंप्यूटर पर देश विदेश के विभिन्न पुस्तकें से संबंधित पूरी जानकारियाँ होती हैं, जिसका लाभ छात्र उठा सकते हैं। तो कंप्यूटर के माध्यम से हम किताब भी पढ़ सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया कंप्यूटर। अब लास्ट पॉइंट ये है ई लर्निंग, ई शिक्षा, ई अधिगम। ठीक है, तीनों पॉइंट याद रखिए, कभी कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। ई शिक्षा या फिर ई लर्निंग या ई अधिगम, वास्तव में ये होता क्या है दोस्तों? ई शिक्षा का अर्थ, ई लर्निंग, ई अधिगम शिक्षा का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है। ठीक है, वास्तव में यह कंप्यूटर प्रोत्साहित सीखना है। ठीक है, इस दृष्टि से ई अधिगम को अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। इस प्रत्यय का सीधा संबंध प्रगतिशील अधिगम, मतलब एडवांस्ड लर्निंग टेक्नोलॉजी से है। इसमें कंप्यूटर नेटवर्क तथा बहुमाध्यम तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इस दृष्टि से ई अधिगम शिक्षा का एक नवीन प्रत्यय है, जो परंपरागत अधिगम से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है। ठीक है, तो ई अधिगम क्या है दोस्तों? एक टेक्नोलॉजी का, एडवांस टेक्नोलॉजी का शिक्षा में एक यूज़ है, नया चीज़ है, नई तकनीक है, जो कि हमारी परंपरागत शिक्षा से बिल्कुल अलग है, भिन्न है। चलिए अब आइए, अब जब इतना आप सब कुछ पढ़ लिए, ई लर्निंग पढ़ लिया आपने, कंप्यूटर पढ़ लिया आपने, कम्युनिकेशन पढ़ लिया आपने, आपने इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी देख लिया आप, तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे। ठीक है, अब चाहे ई लर्निंग की बात हो, चाहे कंप्यूटर की बात हो, चाहे कम्युनिकेशन की बात हो, तो कुछ उपयोग या महत्व जब आप लिखेंगे तो इन शब्दों का आप इस्तेमाल करिएगा, इन शब्दों को अपने ध्यान में रखिएगा। चाहे वो रजिस्ट्रेशन भी आप आजकल कंप्यूटर से करते हैं और इंटरनेट से करते हैं। हाँ, इंटरनेट से याद आया, कभी कभी आपसे सवाल ये भी पूछ जाता है कि इंटरनेट की उपयोगिता, तो दोस्तों इंटरनेट की उपयोगिता में भी इन शब्दों के हिसाब से आप लिख सकते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, अपने सिलेबस प्राप्त कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर प्राप्त कर सकते हैं, सब्जेक्ट PDF हमें मिल जाता है, प्रैक्टिकल की जानकारी मिल जाती है, हम रिजल्ट चेक कर लेते हैं, और OMR पेपर क्या होता है, अच्छे से चेक हो जाता है, रिजल्ट घोषित कर लिया जाता है। ठीक है, और क्या होता है दोस्तों, और गुरुजी का वीडियो हमें मिल जाता है, जो हम लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, जिंदगी पर बात हो गया। कहीं आप लोगों को ये तो नहीं लगता कि गुरुजी को कुछ आता ही नहीं है, इनसे कुछ होता ही नहीं, शायद इसलिए आप लोग लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे। आपको बस एक काम करना है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
और अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में फटाक से शेयर कर दीजिए। आपके कॉलेज ग्रुप वाले बच्चे बड़े शरीफ नहीं है, मुझे पता है, इधर उधर की इन्फॉर्मेशन भेजेंगे, लेकिन आप अच्छी वीडियो को नहीं भेज सकते। ना ना ना, नहीं भेजेंगे, लेकिन इस वीडियो को आप धीरे से चिपका दीजिए, बाकी जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके आप हमसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और ये जो भी चीज़ें हमने बताई हैं इसका PDF मैं टेलीग्राम में भेज दूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आप अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए ऐसे हंसी मजाक में, देखते देखते पढ़ते रहिए, बहुत अच्छा नंबर आएगा इस बार, ठीक है। चलिए, जय हिंद जय भारत दोस्तों। कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि कैसे लगा ये वीडियो आपको, और कोई इन्फॉर्मेशन कोई क्वेश्चन आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आपकी वहाँ पर पूरी सहायता की जाएगी। चलिए, कमेंट में अपना राय जरूर दें। जय हिंद जय भारत दोस्तों।